So hey guys, this is Gursaheb and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. So if you are planning to come to Canada as an international student, this video is going to be very useful for you because in this video we will be talking about the basics of education system in Canada. बेसिकली तो यार आज की वीडियो में हम पांच चीजों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि कनाडा में मोस्टली कौन कौन से सेशंस होते हैं देन हम बात करेंगे कि बेसिक स्टडी का फ्लो कैसा होता है कनाडा में मतलब सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद आपकी पढ़ाई कैसे चलती है उसके बाद वी विल टॉक अबाउट हाउ मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड देन हम बात करेंगे कि क्विजेज असाइनमेंट्स एग्जाम्स लैब्स किस टाइप के होते हैं मतलब उनके अंदर आपको करना क्या होता है फाइनली हम बात करेंगे कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसिस हो सकते हैं और अगर आप लोगों ने चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया था और वो भी कर लो मेरे को बहुत अच्छा लगता है एक कॉन्फिडेंस को ना बूस्ट मिलता है कि आप लोगों की लाइफ में मेरी वीडियोज कुछ वैल्यू एड करती हैं नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स विद दिस वीडियो तो सबसे पहले बात करते हैं कि कनाडा में कौन कौन से सेशंस होते हैं तो बेसिकली यार कनाडा में तीन तरीके के सेशन होते हैं एक होता है विंटर सेशन जो कि होता है जनवरी से लेकर अप्रैल तक एक होता है समर सेशन जो कि होता है मई से लेकर अगस्त तक और तीसरा होता है फॉल सेशन जो कि होता है सितंबर से लेकर दिसंबर तक तो बेसिकली अगर आप कनाडा आते हो सितंबर 2022 में तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो होगा सितंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक एंड दैट विल बी द फॉल सेशन ऑफ 2022। अब बात करते हैं कि यार कनाडा में बेसिक स्टडी का फ्लो कैसा होता है तो जैसे ही आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो आपकी क्लासेस वगैरह लगना स्टार्ट हो जाती हैं तो आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर आपको क्विजेस करने होते हैं आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं आपको टेस्ट वगैरह करने होते हैं और साथ के साथ कुछ प्रेजेंटेशन भी होती हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है लेकिन काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर करनी पड़ती है तो आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर एक्टिव रहना पड़ता है और समवेयर इन द मिडल ऑफ द सेमेस्टर आपको एक ब्रेक मिलती है सेवन डेज की जिसको रीडिंग वीक कहते हैं अब वो ब्रेक जो होती है वो जनरली आपको मिलती है मिड टर्म टेस्ट से पहले ताकि आप अपने टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन कर पाओ पढ़ाई कर पाओ और जो टेस्ट वगैरह होते हैं कैनेडा में वो क्लास के टाइमिंग वगैरह पे ही होते हैं तो बेसिकली मान लो कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट है उसकी क्लास टाइम टेबल के हिसाब से मंडे को लगती है दस बजे से लेकर बारह बजे तक सुबह के तो आपका टेस्ट जो होगा वो उसी टाइम पे होगा और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोफेसर आए 10 से 11 वो आपको पढ़ाएगा मतलब बेसिक जो जनरल लेक्चर होता है वो लेगा उसके बाद 11 से 12 वो आपका एक घंटे का टेस्ट ले लेगा वो आपका मिड टर्म टेस्ट हो गया तो इस तरीके से यहाँ पे टेस्ट होता है जैसे इंडिया में क्या होता था पूरा का पूरा माहौल होता था एग्ज़ाम्स का स्कूल में क्या होता था फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक सबके एग्जाम्स चल रहे हैं या कॉलेज में क्या होता था सारी की सारी स्ट्रीम्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एक बढ़िया सा माहौल बन जाता था यहाँ पर ऐसा नहीं होता यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी क्लास में टेस्ट दे रहे हो और दूसरी क्लास में नॉर्मल लेक्चर चल रहा है और एक और चीज़ बता देता हूँ कि लेटस्ट से आपके टाइम टेबल में ऐसा है कि मंडे को आपकी तीन क्लास होती हैं एक होती है दस बजे से लेकर बारह बजे तक एक होती है एक बजे से लेकर तीन बजे तक और एक तीसरी क्लास होती है आपकी चार बजे से छह बजे तक तीनों अलग अलग सब्जेक्ट की ऑब्वियसली तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों प्रोफेसर उसी दिन आपका टेस्ट रख दे मतलब एक ही दिन आपके तीन टेस्ट होंगे तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है तो इसके लिए भी यार प्रिपेयर्ड रहना मेरे साथ ऐसा हुआ था तो बड़ी प्रॉब्लम होती है कभी कभी और यार कितनी असाइनमेंट्स होंगी कितने क्विजेज होंगे इन क्लास एक्टिविटीज होंगी या नहीं होंगी प्रेजेंटेशन होगी या नहीं होगी ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके सब्जेक्ट पर अगर कोई थ्योरी टाइप सब्जेक्ट है तो हो सकता है कि इन क्लास एक्टिविटीज़ वगैरह ना हो और अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो हो सकता है लैब्स ही लैब्स हों और प्रेजेंटेशन वगैरह देनी हो तो सारी चीज़ें एक सब्जेक्ट पर डिपेंड करती हैं और आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे यार हर एक कॉलेज का एक ऑनलाइन पोर्टल होता है जिसका आपको एक एक्सेस मिलता है मतलब आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है और उस ऑनलाइन पोर्टल पे सारी चीजें होती हैं मतलब आपके मार्क्स वहीं पे होते हैं आप अपनी असाइनमेंट्स वगैरह या लैब रिपोर्ट्स वगैरह उसी पर अपलोड करते हो आपके प्रोफेसर जो होते हैं नोट्स हो गए या सिलेबस हो गया या मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगी वो सारी की सारी चीज़ें उसी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होती हैं और आजकल तो जो क्लासेज हैं वो भी उसी ऑनलाइन पोर्टल पर होती हैं कोविड की वजह से और जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं ना प्रोफेसर्स के वो भी उसी पे जाते हैं और मेरे कॉलेज का मेरे को ध्यान है मेरे कॉलेज के पोर्टल का नाम था ब्लैक बोर्ड अब बात करते हैं कि यहां पे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है और आप पास किस तरीके से होते हो क्योंकि अगर पास नहीं हुए तो वर्क परमिट नहीं मिलेगा वर्क परमिट नहीं मिला तो पी नहीं मिलेगी पी नहीं मिली तो यार भैया जिंदगी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी तो वो देखते हैं और उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपने तीन सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए तो बेसिकली लेते हैं तीन सब्जेक्ट सब्जेक्ट वन जो है वो कंप्लीटली हंड्रेड परसेंट थियोरेटिकल है सब्जेक्ट टू जो है वो एक थ्योरी और लैब्स वगैरह का ब्लेंड है मतलब उसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल काम भी है सब्जेक्ट थ्री जो है वो कंप्लीटली लैब्स हैं मतलब पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वन में जो टेस्ट वन होता है उसकी वेटेज है ट्वेंटी फाइव परसेंट टेस्ट टू जो होता है वो है ट्वेंटी परसेंट का असाइनमेंट्स जो हैं वो होती हैं ट्वेंटी परसेंट की क्विज़ जो हैं वो है टन परसेंट के और कुछ इन क्लास एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ट्वेंटी फाइव परसेंट की होती हैं सब्जेक्ट टू में क्या होता है टेस्ट वन है ट्वेंटी परसेंट का टेस्ट टू है फिफ्टीन परसेंट का असाइनमेंट्स हैं ट्वेंटी परसेंट की और क्विज जो होते हैं वो होते हैं फाइव परसेंट के और सब्जेक्ट टू में लैब्स भी हैं तो उनकी जो वेटेज है वो है फोर्टी परसेंट और जैसे कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट थ्री है वो कंप्लीटली लैब्स हैं तो उसमें सिर्फ लैब्स की वेटेज है जो कि हंड्रेड है और यार कैनेडा में आपको एटलीस्ट फिफ्टी लाने होते हैं या फिर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में आपको सिक्सटी लाने होते हैं तभी आप पास हो मतलब पासिंग मार्क्स फिफ्टी होते हैं और जैसे कि आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट वन में टेस्ट वन और टेस्ट टू दोनों के मिला के फोर्टी फाइव परसेंट होते हैं और सब्जेक्ट टू में भी टेस्ट वन और टेस्ट टू दोनों के मार्क्स मिला के थर्टी फाइव परसेंट होते हैं तो इसका मतलब है आप सिर्फ टेस्ट वगैरह पे रिलाई करके पास नहीं हो सकते जैसे इंडिया में होता था, था कि भाई पूरा साल कुछ नहीं हुआ एट दी एंड एग्जाम्स वगैरह से एक हफ्ता पहले हमने पढ़ाई कर ली टेस्ट वगैरह में या एग्ज़ाम्स वगैरह में मार्क्स ले आए और सब कुछ बढ़िया हो गया यहाँ पे ऐसा नहीं होता यहाँ पे अगर आप टेस्ट वगैरह में बढ़िया मार्क्स ले भी आओगे ना तो भी आपके 50 परसेंट या 60 परसेंट नहीं बनते तो आपको असाइनमेंट्स क्विजेज़ इन क्लास एक्टिविटीज़ इन सब पे भी ध्यान देना पड़ता है और अगर आपका एम है 90 परसेंट स्कोर करना या 95 परसेंट स्कोर करना ताकि आप स्कॉलरशिप वगैरह अप्लाई कर पाओ तो उसके लिए आपको ढंग से असाइनमेंट्स क्विजेस ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना कि यार लैब्स जो फोर्टी की है ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट कराए सिक्सटी में से आपके मान लो फिफ्टी आ गए और आप पास हो गए ऐसा नहीं है जिस सब्जेक्ट में लैब्स होती हैं उसमें आपको इंडिविजुअली लैब्स में भी पास होना पड़ता है और थ्योरी में भी इंडिविजुअली पास होना पड़ता है और अगर सब्जेक्ट थ्री की बात करें तो वो मेरा पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था और उसमें टोटल टेन लैब्स थी और हर एक लैब की वेटेज टेन परसेंट थी और एक लैब के जो टेन परसेंट मार्क्स होते हैं ना वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं बेसिकली यहाँ पे क्या होता है आपको लैब क्लास में जाना होता है आप अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह या जो भी प्रैक्टिकल होता है वो परफॉर्म करते हो आपको एक शीट मिलती है उसमें आपको प्रॉपर चेक करना होता है सारी चीज़ें कि हाँ भाई पार्ट ए हो गया पार्ट बी हो गया पार्ट सी हो गया मतलब आप पूरा का पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो ढंग से लाइन वाइज उसके बाद एट दी एंड आपको अपने प्रोफेसर से शीट साइन ऑफ करानी होती है जब वो शीट साइन ऑफ हो जाती है तो आपको फाइव परसेंट मिलते हैं फिर जब आप अपनी लैब रिपोर्ट सबमिट कर देते हो तो लैब रिपोर्ट के भी फाइव परसेंट में से मार्क्स मिलते हैं और दोनों के मार्क्स जुड़ के आपको टेन परसेंट में से मिलते हैं ऐसे ही बाकी नाइन लैब्स के साथ होता है तो आई होप आप लोगों को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम पूरा समझ आ गया होगा तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ टेस्ट वगैरह पर रिलाई नहीं कर सकते आपको असाइनमेंट्स भी करनी पड़ेंगे क्विजेस भी करनी पड़ेंगे सब कुछ करना पड़ेगा मतलब क्लास में जो भी कराया जाता है सब कुछ करना पड़ेगा अब बात करते हैं कि ये जो क्विजेज़ होते हैं असाइनमेंट्स होती हैं या फिर टेस्ट होते हैं और जो इन क्लास एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें होता क्या है मतलब आपको करना क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं क्विज़ वगैरह की अब ये जो क्विजेज़ होते हैं ना इनमें क्वेश्चंस वगैरह होते हैं छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि मल्टीपल चॉइस आंसर्स जो होते हैं वैसे क्वेश्चन हो गए या फिर वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन हो गए फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग ये सब होता है और अगर आपके सब्जेक्ट में क्विजेस की जो वेटेज है वो अगर टेन परसेंट है तो आप हो सकता है कि आपके टोटल टेन क्विजेज होंगे और हर एक क्विज़ की वन परसेंट वेटेज होगी तो इस तरीके से क्विज का सिस्टम रहता है असाइनमेंट्स जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सब्जेक्ट था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अब उसमें क्या था कि मेरे को असाइनमेंट्स मिलती थी जिसमें मेरे को डिजिटल सर्किट्स वगैरह डिजाइन करने होते थे या फिर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह होते थे तो डिपेंड करता है असाइनमेंट्स कैसी होंगी टोटली सब्जेक्ट के ऊपर और सेम गोज विद इन क्लास एक्टिविटीज अगर आपका कुछ कम्युनिकेशन टाइप का सब्जेक्ट है तो आप हो सकता है कि आपको प्रेजेंटेशंस वगैरह देनी पड़े और टेस्ट वगैरह यार इंडिया से यहाँ पे बहुत ही अलग होते हैं जैसे इंडिया में मेरे को ध्यान है क्या होता था मेरी बीटेक के टाइम हंड्रेड मार्क्स का एक पेपर होता था उसमें पांच क्वेश्चन करने होते थे और ट्वेंटी मार्क्स होते थे एक क्वेश्चन के और उसमें हम आठ आठ नौ नौ दस दस शीटें भराते थे पता नहीं कौन सी कहानियां लिखाते थे मेरे को भी ध्यान नहीं और कैसे लिखाते थे मेरे को नहीं पता Uh, यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे आपको बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं मैच द फॉलोइंग आते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस आंसर्स वाले क्वेश्चन आते हैं वन वर्ड आंसर्स वाले क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के आते हैं और जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनमें भी आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना होता है फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक क्वेश्चन आया था मेरे एक टेस्ट में कि भाई नेम थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डी मोटर्स यूज इन एम्बेडेड सिस्टम्स उसका आंसर बेसिकली ये था कि डीसी मोटर सर्वो मोटर एक या दो पेज भर के थ्री है, तो है और उसके तीन नंबर मिल जाएंगे अगर आप दो लिखोगे तो दो नंबर मिलेंगे एक लिखोगे तो एक नंबर मिलेगा अब बात करते हैं कि अगर आप कैनेडा में फेल हो जाते हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसिस हो सकते हैं और मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि यार अगर आप इनकेस फेल हो जाते होपफुली ना हो इन केस अगर ऐसा सिनेरियो हो जाता है तो यार बहुत ही एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो ऑब्वियसली अगर आप डिप्लोमा या डिग्री या जो भी अपना सर्टिफिकेट कोर्स करने आए हो अगर वो कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको वो सब्जेक्ट दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा और रिपीट करने के लिए आपको उस सब्जेक्ट की जो फीस होती है जो कॉस्ट होती है वो देनी पड़ेगी और जो फीस होती है वो जनरली फिफ्टीन हंड्रेड डॉलर से लेकर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डॉलर तक तो होती है दैट विल बी लाइक एटी थाउजेंड रुपीज़ टू वन लैख एंड फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ एंड दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव तो अगर फेल हो गए तो यार खर्चा भी बड़ा ज़्यादा हो जाएगा और दूसरी चीज़ ये आती है कि मान लो आप किस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो मेरी प्रार्थना तो यही रहेगी कि यार आप कभी भी किसी सब्जेक्ट में फेल ना हो मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं लेकिन इन केस दुआ नहीं लगती और कोई ना कोई फेल हो जाता है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में और वो सब्जेक्ट ऐसा निकलता है जो कि एक स्पेसिफिक सेशन में ही पढ़ाया जाता है तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल आप आते हो सेप्टेंबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू में तो आपका जो फाइनल मतलब फोर्थ सेमेस्टर होगा अगर आप एक ऐसा कोर्स लेके आए हो जिसमें फोर मंथ्स वाली शेड्यूल ब्रेक है तो आपका फाइनल सेमेस्टर जो होगा वो होगा टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर के विंटर सेशन में मतलब जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर से लेकर अप्रैल टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर तक उस सेमेस्टर में अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो और वो सब्जेक्ट सिर्फ विंटर सेशन में पढ़ाया जाता है तो उसको रिपीट करने के लिए आपको 2025 के विंटर सेशन तक वेट करना पड़ेगा और बीच का जो टाइम होगा ना यू विल नॉट बी एनरोल्ड इन एनी कोर्स इन एनी सब्जेक्ट तो आप पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते अगर पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते तो आपका खर्चा नहीं चलेगा रेंट कहाँ से दोगे फोन के बिल कहां से भरोगे ट्रैवल का एक्सपेंस कहा से लाओगे तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है अगर ऐसे टाइप के सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तीसरी प्रॉब्लम तब आ सकती है जब आप ऐसे सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो जो कि किसी और सब्जेक्ट का प्री रिक्विट है फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सब्जेक्ट था थर्ड सेमेस्टर में एम्बेडेड सिस्टम्स वन और मेरे फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था एम्बेडेड सिस्टम्स टू तो एक स्टूडेंट जो था वो एम्बेडेड सिस्टम्स वन में फेल हो गया एंड दैट सब्जेक्ट वॉज प्री रिक्विड फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स टू और वो भाई साहब जब तक एम्बेडेड सिस्टम्स वन नहीं कर लेते तब तक वो एम्बेडेड सिस्टम्स टू भी नहीं कर सकते और इन केस अगर एम्बेडेड सिस्टम्स वन ऐसा निकला जो कि एक स्पेसिफिक सेशन में पढ़ाया जाता है तो तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ जाएगा काम नहीं कर पाओगे इंडिया से पैसे मंगाने पड़ सकते हैं या उल्टे सीधे काम करोगे मैं बोल नहीं सकता लेकिन उन चक्रों में पढ़ना पड़ेगा तो इट्स बेटर पढ़ाई करो फेल मत हो और अपनी बढ़िया जिंदगी बनाओ वर्क परमिट लो पी लो और बढ़िया घर खरीदो अपनी अच्छी लाइफ बनाओ कैनेडा के अंदर बाकी यार और भी चीज़ें बताने वाली कि यहाँ पे कैनेडा में पढ़ाई कैसे होती है कॉलेज लाइफ कैसी होती है तो और जो चीज़ें होती है मैं यही चाहूंगा कि आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करो एंड आई होप जो भी आप लोग आना चाहते हो कैनेडा पढ़ने के लिए फटाफट से आपके वीजा अप्रूव हो और आप फटाफट से कैनेडा आ जाओ एंड होपफुली हम लोग भी मिलेंगे सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन और अगर आप ऐसी ही वीडियोज फ्यूचर में देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग